अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी के फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। अच्छा, और इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड अभी फर्स्ट चैप्टर जो स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी है उसके फर्स्ट चैप्टर में जितना भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आप लोगों के पास प्रॉपरली होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से सुनिएगा। द सेंट्रल द नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड देयर एसोसिएटेड गैंग्लियन। सो इन जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है इसमें आपको बताया क्या गया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम हमारे पास होता क्या है। बेसिकली हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज होती हैं उन सबको जो कंट्रोल करता है उसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारे ऑर्गन की जितनी भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं उन सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम इट्सेल्फ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस चीज से बना हुआ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड देयर एसोसिएटेड गैंग्लिया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गया, और जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व्स आ गई, ठीक है, और स्पाइनल नर्व के साथ उसके एसोसिएटेड गैंग्लिया भी आ गए जो कि उन स्पाइनल नर्व्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम मैं आपको बता दूं कि यहां पे बताया गया है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आ जाता है। तो ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं, फोर ब्रेन आ गया, ठीक है, जिसमें फोर ब्रेन के फर्दर पार्ट होते हैं सेरिब्रम और जो है वो डायसेफेलॉन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अलावा हम लोग हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स हो गया, सेरिब्रम हो गया, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके हम लोग जो है डिफरेंट सेगमेंट्स को पढ़ेंगे, लाइक उसके अंदर जो है सर्वाइकल सेगमेंट होता है, थोरेसिक सेगमेंट होता है, लंबर सेगमेंट होता है, सेगमेंट्स होते हैं, उसके अलावा सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं और कॉक्सियल सेगमेंट्स होते हैं, तो वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं। इस तरीके से यहां पे जो क्रेनियल नर्व्स की बात की गई है तो ये डिटेल में आप लोग सीएनएस जब आप लोग कवर करोगे सो उसके अलग से हमारे पास स्नेल की बुक आती है उसमें वो उस बुक से आपको वो कवर करवाऊंगी मैं सीएनएस का पूरा मॉड्यूल। तो उसमें आप लोग 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़ते हैं, ठीक है। उन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में क्या होता है कि हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स की जो है हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लाइक ऑल्फैक्ट्री नर्व हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑक्लोमोटर नर्व हो गई, ट्रोक्लियर नर्व हो गई, ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, एब्ड्यूसल नर्व हो गए, फेशियल नर्व हो गए, वेस्टिब्लो कॉक्जीरियल नर्व हो गई, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व हो गई, वेगस नर्व हो गई, उसके अलावा एसेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसियल नर्व। सो ये 12 डिफरेंट काइंड की हमारे पास जो है वो नर्व्स होती हैं। देखो, हर नर्व ना अपने अलग से सिस्टम को कंट्रोल करेगी। फॉर एग्जाम्पल ऑल्फैक्ट्री नर्व है तो वो सेंस के जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व है तो उसके बहुत सारे हमारे फेशियल जो भी सप्लाई होती है, मोटर सप्लाई हो गई या सेंसरी सप्लाई हो गई, तो उनको कवर करेगी। तो ये सारी नर्व्स मिलके, और इसके अलावा 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जिसमें हर सेगमेंट की अलग अलग पेयर ऑफ नर्व्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक सर्वाइकल नर्व्स आ जाती हैं, 12 थोरेसिक नर्व आ जाती हैं, 5 लंबर नर्व आ जाती हैं, 5 सैक्रल नर्व आ जाती हैं एंड 5 कॉक्सियल नर्व्स आ जाती हैं, 1 कॉक्सियल नर्व आती है। तो ये अलग से 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होते हैं वो हमारे पास एक्टिविटीज को अलग से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां तक इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको ये बताया गया है। सो इस पैराग्राफ में इस
पैराग्राफ में आपको सिर्फ ये याद करने की जरूरत है कि हमारे पास एक नर्वस सिस्टम है जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ होता है हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स के अभी भी आप लोगों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप सीएनएस करेंगे तो उसमें आपको नाम याद हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन जनरल पता हो तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फंक्शनली द नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सोमेटिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल वॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। अच्छा, यहां पे आप लोगों को ये बताया गया है कि फंक्शनली जो नर्वस सिस्टम है ना वो फर्दर जो है उसकी दो डिविजन है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है ठीक है जो कि हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सो यहां पे आपको फंक्शनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की डिवीजन बताई गई है। तो याद रखिएगा जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज मतलब हमारा स्केलेटल मसल जो एक्टिविटीज करते हैं जिसमें हमारी अपनी विल शामिल होती है कि हमने कोई चीज उठानी है कोई चीज रखनी है, सो वो हमारी किसमें हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में आ जाएगी। और जो हमारे पास इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल एक्टिविटीज है वो हमारे पास कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी हमारी खुद के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट जो पंपिंग है, हार्ट की बीटिंग है, ब्लड प्रेशर का अप एंड राइज होना, ये सारी चीजें जो होता है वो हमारे पास कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है द नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहां पे आपको बता दी गई कि नर्वस सिस्टम है क्या, बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है उसके साथ मिलकर, मतलब जो डिफरेंट हमारे ग्लैंड्स होते हैं जहां से डिफरेंट टाइप के हमारे हॉर्मोन्स वगैरह हो रहे होते हैं, सो उन सबको ये इसका मतलब कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम के साथ मिलकर ही सारी एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की। सो ये आप लोगों को नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया गया था। अब अलग अलग नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। सो इससे पहले यहां तक जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको नोट्स के थ्रू बता देती हूं कि किस तरीके से याद करना है, अपने पास लिख लेना है ताकि आपको इजी हो सके कि आप उन तमाम चीजों को जो है वो इजीली कवर कर सके। अब मैं नोट्स के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, और इसमें आप लोगों से क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की गई है। हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कंसिस्ट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। और ब्रेन में आप लोगों के पास फोरब्रेन आ जाता है जिसके फर्दर पार्ट्स हैं सेरिबेलम एंड डायसेफेलॉन। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है, हाइंड ब्रेन आ जाता है, और हाइंड ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में कि फोरब्रेन में फर्दर क्या पार्ट्स आ जाते हैं, कौन सी बोन्स होती हैं, फिर मसल्स की अटैचमेंट, ये सारी चीजें आप लोग बाद में पढ़ेंगे जब आप लोग सीएनएस कवर करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों की बेस बनाने के लिए आप लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास सर्वाइकल सेगमेंट आ जाते हैं, थोरेसिक सेगमेंट आ जाते हैं, लंबर सेगमेंट आ जाते हैं, सैक्रल सेगमेंट आ जाते हैं एंड कॉक्सियल सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बारे में आप लोग डिटेल से जो है वो सीएनएस के मॉड्यूल में करते हैं, जब आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मॉड्यूल कवर करते हैं तो तब आपको पढ़ाया जाता है। फिलहाल आपको जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वाइवा में आपसे अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे कंट्रोल मतलब कंसिस्ट हुआ हुआ होता है, तो आप लोग बता दें कि उसमें हमारे पास जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और फर्दर ब्रेन में क्या होता है, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता हो कि सर्वाइकल सेगमेंट है, थोरेसिक सेगमेंट है, लैम्बर सेगमेंट है, सेक्रल सेगमेंट है या कॉक्सियल सेगमेंट है। इसकी डायग्राम भी यहां पे दी गई है, ये देखिए, तो यहां पे आप लोगों को डिफरेंट जो है वो सेगमेंट्स के बारे में ही भी बताया गया। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के यहां पे आप लोगों को सिर्फ सिंपल पता होना चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा कुछ पता नहीं होना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग इसकी डिटेल में भी जाए। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास किससे कंसिस्ट हुआ हुआ होता है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व से एंड 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल नर्व से और 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व से। अब पता है कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, जो कि ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी हमारी जो भी हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक हेड, नेक, एंटर के, उनसे उनको जो है वो कनेक्ट करता है।
ओके तो हमारे पास ये वो 12 क्रेनियल नर्व्स है. अच्छा इनकी भी इनको याद करने के भी इनके नाम को याद करने भी की ट्रिक्स होती है, तो ये अभी आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि आप लोग ये क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं, इनमें ये इन 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर आ जाते हैं. ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई, ऑप्टिक नर्व हो गई, ऑक्लोमोटर नर्व हो गई, ट्रोक्लियर नर्व हो गई, ट्राइजेमिनल नर्व हो गई, एब्यूसिन नर्व हो गई, फेशियल है, देन वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, वेगस नर्व है, एसएसआई नर्व है एंड हाइपोग्लोसियल नर्व है. सो ये 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आ जाते हैं. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं और इनके जो गैंग्लियॉन्स हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं जो कि हमारे स्कल से स्कल से निकलते हैं थ्रू आ फोरामेना. अब वो फोरामेना एक होल से बने हुए होते हैं, काफी सारे फोरामेना हमारे स्कल में होते हैं. तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, जब आप सीएनएस का मॉड्यूल करेंगे उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व के बाद 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आ जाती हैं. उसमें हमारे पास 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्जियल नर्व होती है. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो ईच पेयर होता है इसका इन नर्व्स का वो कनेक्ट करता है स्पाइनल नर्व को बाय स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये अलग अलग रीजन को कंट्रोल करती हैं ये नर्व्स. ठीक है, और ये हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये मिक्स नर्व्स होती हैं जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों हमारे पास जो है वो सिग्नल्स कैरी करती हैं. ये मिक्स नर्व्स हैं जो कि सेंड करती हैं मोटर एंड ऑटोनॉमिक सिग्नल बिटवीन द सीएनएस एंड द बॉडी. तो ये मिक्स नर्व होती है हमारे पास. ये सारी चीजें आप जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा एक और बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर उसकी भी डिवीजन हुई हुई होती है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. ऑटोनॉमिक में हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक पढ़ेंगे और सोमेटिक में हम लोग जो वॉलंटरी कंट्रोल सिस्टम होता है उसे पढ़ेंगे. सो ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स के नर्वस सिस्टम का पूरा चार्ट है जो एटलीस्ट आप लोग अभी बना के रख लें ताकि आप लोगों को पूरी एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ना इसके बारे में पूरी पता हो कि इसकी जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है नर्वस सिस्टम का. इसके अलावा एक इजी और भी चार्ट है जो आप इजीली बना सकते हैं सिंपल करने के लिए. अच्छा ये बहुत ही ज्यादा मैंने सिंपल करके आपको चार्ट यहाँ पे बना के दिखाया है. ये चार्ट जो है वो आप लोग अपने पास बना के रख सकते हैं. ठीक है, कि हमारे पास नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ होता है. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है जो कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में उसको डिवाइड किया गया है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जो कि जो है वो सडन एक्शंस के लिए लाइक स्ट्रेस की कंडीशन होती है और सडन जो एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हमारी बॉडी रिलैक्स में होती है तो उसे कंट्रोल करता है. उसके बाद सोमेटिक नर्वस सिस्टम था जो कि हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट हमारी जो है स्केलेटल मसल्स की उन्हें कंट्रोल कर रहा है. तो अगर मैं सिंपली कहूं कि अगर आप ये चार्ट बना के अपने पास अपने जहन में रख लेते हैं और आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड है, फिर फर्दर जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम में उसको डिवाइड किया गया है, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है. तो ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है. मैं कहूं कि यहां मतलब जो सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ में, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो आप लोगों को बताया गया था यहां पे मैंने वो डिस्कस किया है आपसे. ठीक है, अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अब हम लोग इनको जो है वो इजीली डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को सिंपल इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि इस पैराग्राफ में आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की गई है. ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करते हैं. आई होप यहां तक आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्हें शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करती रहूं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइज़.